जैसे कह देते हैं कि ये साठ दिन की बूंग है लगा लो जी साठवें दिन खेत खाली हो जाएगा हाँ जी ये बंसी गोल्ड जो वैरायटी आपकी है ये कितने टाइम का सेगमेंट है सर इसको अपन सत्तर दिन में तो निकाल सकते प्रैक्टिस है वो अगर अच्छी रहे तो ये सत्तर से इक्रवा दिन नहीं लेगा दो के बाद एक हल बंद करे जी दो हल खुले रखे एक, एक हल बंद मतलब एक हल एक साइड से मिनिमम हवा क्रॉस होनी चाहिए दो हल खुले और एक हल बंद दो खुले एक मिनिमम इसकी क्षमता क्या है ਜਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਮੈਕਸिमम ਸਮਰੱਥਾ ਸਰ ਇਸ ਦੀ 14 ਕਿੰਟਲ ਪਰ ਏਕੜ ਤੱਕ ਹੈ ਜੋ ਖਾਸ ਮੈਂ ਇਹ ਬਠਿੰਡਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਜੀ ਫੋਜ਼ਗਰਾਵਾ ਵਿੱਚ ਜਗਰਾਉਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਮੂੰਗੀ ਐਸਆਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਏਰੀਆ ਚ ਲੱਗੀ ਹੈ ਮੌਸਮ ਨੇ ਕੋਈ ਜਿਆਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿਤੇ ਸੋਕਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਜਿਆਦਾ بارشਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿਤੇ ਬੁਝਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਈ ਕਿਤੇ ਬੁਝਾਈ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਲੇਟ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਤੇ ਜਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਸੀਡ ਜਿਆਦਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਤੇ ਸੀਡ ਘੱਟ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਕਦੇ ਮੂੰਗੀਆਂ ਪੀਲੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਕਿਤੇ ਪੀਲਾ ਰੁਤਵਾ ਰੋਗ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿਤੇ ਝਾੜ ਚੰਗੇ ਆਣ ਦੇ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਹੈਗੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੈਰਾਈਟੀ ਇਹਨਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੰਗਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਂ ਵੀ ਉਹ ਬੜੇਵੇਂ ਖਾਣੀ ਆ ਪਰ ਵੈਰਾਈਟੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਐਸੇ ਸਾਲ ਹੀ ਆਈ ਸੀ ਜੀ ਐਸੇ ਸਾਲ ਹੀ ਚੰਗਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਗੀ ਜੇ ਦੋ ਚਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕੈਰੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਣਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਦਾਣੇ ਹਰੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੂੰਗੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਗ ਘਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਝਾੜ ਵੀ ਚੰਗਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੂੰਗੀ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇਹ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਇੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ April ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਈ ਇਵਨ ਕਿ ਐਂਡ ਜੂਨ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸੋਇੰਗ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ 10 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਵੀ ਫਾਰਮਰ ਇਹਨੂੰ ਬਜਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਫਾਰਮਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਆ ਅਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮੰਮਨ ਖੇੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਗਵਾਂਢੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਦੋ ਫਾਰਮਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੈਰਾਈਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਇਸ ਵੈਰਾਈਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਲਿਆ ਪਰਖ ਲਿਆ ਹੰਡਾ ਲਿਆ ਯਾਰ ਬਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਊਗਾ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਿਓ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਜਿਬ ਸਵਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਲ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਸੁਖਿੰਦਰ ਜੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੈਰੈਟੀ ਕਦੋਂ ਬੀਜੀ ਆ ਕੀ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਹੈ ਸਸੀ ਕਾਲਪਾ ਜੀ ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ ਸਭੀ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਓ ਨੂੰ ਰਾਮ ਰਾਮ ਬਾਜੀ ਇਹ ਵੈਰੈਟੀ ਤੁਸੀਂ ਬਜਾਈ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਆ इसकी बिजाई लगभग पैंसठ दिन हो गए हैं सर अभी मतलब मान के चले अगर हम आज आ, दस अगस्त दस है हाँ, तो जून, जून के एंड में, हाँ, में आपने बिजाई हाँ, किया हाँ, कितना सीट पर एकड़ पर बिग्गा के हिसाब ने आपने यूज किया सर हमारे बिग्गा होता है यहाँ पर पाँच पांच कनाल वाला पा तो इसमें हमने साढ़े तीन किलो बीज डाले मतलब अगर हम देखें पंजाब हरियाणा में आठ कनाल का चलता है हाँ तो उसमें हम ये मान सकते हैं कि इसका छह से सात किलो बीज गया होगा हाँ जी, हाँ जी। ठीक है तो क्या रहा मतलब जर्मिनेशन अच्छी हो गई उसके बाद जब फ्लावरिंग आ गई कितने टाइम पे फ्लावरिंग आ गई इसकी फ्लावरिंग इसकी चालीस पैंतालीस दिनों से स्टार्टिंग हो जाती जी इस बार थोड़ा मौसम गड़बड़ में रहा या तो ज्यादा बारिश लेट हुई जब बारिश बहुत ज्यादा बारिश थी जी उसकी वजह से आपने रास्ते में देखा होगा जी मैंने जितनी भी मूंग के फील्ड देखे खराब हो चुके हैं उसमें जितनी भी फलियां आई हैं वो कम मात्रा में आई हैं मैं लगभग अपने घर से डेढ़ सौ किलोमीटर दूर मैं यहां तक आया हूं तो जितने भी फील्ड देखे हैं है, मुझे ऐसा फील्ड नहीं लगा जहां लंबी फलियां हो अच्छी पक गई हो और हरी हरी फलियां भी उस पर चल रही हो तो क्या लगता है इस बार जील्ड आपका क्या रहेगा इतने गंदे मौसम में भी मिनिमम सर हम मान के चलते हैं चार क्विंटल पांच पांच कनाल में पांच कनाल में अगर मौसम ने साथ दिया तो ये पांच आपका एंड जून में ये बिजाई हुआ आपको क्या लगता है ये कब तक खेत खाली कर जाएगा ये अभी पंद्रह दिन और लेगा जी मतलब अभी अभी दस सितंबर है और ये लगभग पच्चीस सितंबर को खेत क्लियर हो जाएगा तो इस वैरायटी के जो हमारे साथ ब्रांड के रिप्रेजेंटेटिव है जो इस वरटी का नाम भी आपको बता रहे हैं बंसी गोल्ड है ये इफ्सा सीड की है जो गंगानगर से एक काफ़ी एरिया में लगती है क्योंकि अब तो एरिया एमपी का भी काफी काफी ज़्यादा लगता है हरियाणा में भी लगता है पंजाब में भी लगता है तो इस वरायटी के जो टेक्निकल करेक्टर है उसके ऊपर भी हम बातचीत करने के लिए हमारे साथ सर हैं उनसे बातचीत करेंगे सर जैसे कह देते हैं कि ये साठ दिन की बूंद है लगा लो जी साठवें दिन खेत खाली हो जाएगा हाँ जी ये बंसी गोल्ड जो वरायटी आपकी है ये कितने टाइम का सेगमेंट है सर इसको अपन सत्तर दिन में तो निकाल सकते हैं जी साठ दिन अगर टाइमली को, को बोल देते हैं जी लेकिन सत्तर दिन में अपन आराम से निकाल देते हैं जी निकाल सकते हैं इसमें अपने को स्प्रे का मैनेजमेंट फार्मर की जो प्रैक्टिस है वो अगर अच्छी रहे जी। तो ये सत्तर से इक्रवा दिन नहीं लेगा जी हाँ मतलब अगर आप इसको देखें कि 10 मार्च के बाद बिजाई होना शुरू हो जाती है हाँ जी तो अप्रैल में भी चलता रहता है मई में भी चलता रहता है कुछ गेहूं के बाद लगाते हैं हाँ जी किस टाइम में बेस्ट जील दे, दे पाती ये है सभी टाइम में तीनों सेगमेंट हाँ। टाइम पीरियड का शिफ्ट रहता होगा कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं है सर एक मार्च से लेके आपको इसको पंद्रह जुलाई तक सोइंग होता है होता रहता है और हर जगह पे अच्छा रिजल्ट देता है जी और तो आपका सीड रेट क्या रिकमेंड करते हो आपने काफी तरह के ट्रायल लगाए होंगे हाँ सीड रेट सर हम जो है मार्च से लेके अप्रैल तक जो है उसके अंदर सीड रेट जस्ट डबल होता है खरीफ से जी जैसे जून जुलाई में हम बिजाई करते हैं जी उससे जस्ट डबल होता है वो अगर मतलब प्रति एकड़ मान लिया जाए जैसे हमने इन्होंने बताया कि अगर आठ कनाल की बात की जाए हाँ तो इस टाइम जो ये जुलाई एंड खरीफ, में एंड वाले में हम तो सात से आठ के जी आठ के जी अगर हम मार्च में लगाते हैं तो ये बारह से पंद्रह किलो चला जाता है बारह से पंद्रह किलो डालना चाहिए जी इस वराइटी के करैक्टर के बारे में बताएं ब्रांचिंग का क्या करैक्टर है रूट का क्या है लीफ सर्फस एरिए का लीफ नंबर ऑफ लीव्स का या लीफ में ग्रीनरी का या ब्रांचेस इसमें फलियाँ लगती हैं उसके करैक्टर के बारे में बताएं इसके लीफ जो हैं वो बड़ी ही मीडियम सी लीफ होती है सर जी और छोटी लीफ होती है जी ठीक है और डार्क ग्रीन ये होती है जी डार्क ग्रीन मतलब इसमें जो इसके आम... प्लांट का करेक्टर जो है वो ये बढ़ती नहीं है जी ये फैलती है ओके हाँ इसमें ब्रांचिंग आएगी जी ठीक है हम तो सोइंग पैटर्न में भी काफी सारा काम कर रहे हैं जी जैसे मान लो मार्च वाले टाइम में अगर मान लो एक किसी भी से वो सीड्रिल से बिजाई करता है फार्मर जी। तो उसके अंदर एक दो के बाद एक हल बंद करें जी दो हल खुले रखे एक, एक, मतलब एक, दो... एक दोनों दोनो मतलब खुद का है, उस तरीके से जील्ड आती है। हमने मानसा एरिया में कुछ पंजाब में काफी ये पंजाब के फार्मर तो बेड के ऊपर भी लगा लेते हैं बट्टों के ऊपर भी लगा लेते हैं वो बट्टों की तरह ही दिखती है जी जी ठीक है ना दो हल खुले और एक हल बंद दो खुले एक बंद मतलब ऐसे गेहूं गेहूं वाले दो खुले एक बंद इस पैटर्न से बिजाई करेंगे तो उसकी यील्ड भी बहुत अच्छी है इसके फली में कितने दाने रहते हैं ये फलियां पक रही हैं नई फलियां आने के लिए मूंग और फ्लावर बना रही हैं बिल्कुल इस, सर इसका इस ये कितना लंबा तक चलता रहता है ये इसका 20 से 25 दिन चलता है मतलब चालीस दिन से शुरू हो जाता है बिजाई के बाद हाँ जी और 25 दिन तक ये वाला सिस्टम रहता है सिस्टम रहता है इस टाइम जो एनवायरमेंट रहेगा हाँ जी पॉजिटिव क्लाइमेट बनेगा तो हाँ इसका ज्यादा जील्ड आता है ज्यादा एक पेनिकल में इसमें चौदह होती है, इसकी। जी। सभी एक सार होती है जी इसमें। इसका एवरेज क्या है और मैक्सिमम इसकी क्षमता क्या है ज्यादा से ज्यादा क्षमता सर इसकी चौदह क्विंटल पर एकड़ तक है जो फार्मरों ने ली हुई है किए पंजाब में नोट किया है कौन से डिस्ट्रिक्ट में पंजाब में ये बठिंडा डिस्ट्रिक्ट में जी और जगरावा में, में।, में। स्प्रे करता है पच्चीस हाँ, दिन के अंदर जी। अगर फार्मर इस प्रैक्टिस को अच्छे से साथ में माइक्रोटेंट जी इस फसल में पौधों को ताकत हमने बहुत सारे लिटरेचर में भी दे रखा है इसमें बहुत ही जरूरत है वो किसान को हाँ जी ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕੈਰੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਦਾ ਉਹ ਵੈਰਾਈਟੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਲਮਿਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਕਲਾਈਮੇਟ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਟਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਰਾਪਟਲੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿਤੇ ਚੰਗਾ ਕਿਤੇ ਮਾੜਾ ਹਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਏਰੀਆ ਲਈ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਰਾਈਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਰੈਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਗਰ ਉਹ ਚੰਗੇ ਨੇ ਉਹ ਚੰਗੇ এনਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਝੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ 2022 ਦਾ এনਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਸ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਸੀਗਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਜਿਗਜੈਗ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕ੍ਰੌਪ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਿੱਪਸ ਦੇਖੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਨਦ ਪਰ 5 ਕਨਾਲ ਵਿੱਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ 4 ਤੋਂ ਕੁਆਂਟਲ ਪਲੱਸ ਜਾਏਗੀ ਅਗਰ 8 ਕਨਾਲ ਦਾ ਏਕੜ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਜੀਲ ਆ ਜਿਹੜੀ 8-9 ਕੁਆਂਟਲ ਆ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਦੇ ਕੈਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਥੈਂਕ ਯੂ